यू नो सम डेज आर दोज लेजी डेज जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं करता, आप सिर्फ कबर्ड्स खोलें, कुछ कुछ निकालें और फिर एक बढ़िया सा हॉट पॉट या फिर एक स्टर फ्राई तैयार हो जाए। ऐसी ही एक डिश मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ जाने वाली हैं। इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स रियली क्विक टू मेक। सेलरी, इसके कटेंगे डायगनल्स। ऑलराइट, साथ में मेरे पास बेबी कॉर्न जो कि मैंने डायमंड शेप में काटा है। सेलरी के जो पत्ते हैं वो भी मैंने कंजर्व किए हैं। स्प्रिंग अनियन की ग्रीन्स, इन्हें भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। पर्पल कैबेज, नाउ पर्पल कैबेज अवेलेबल अगर नहीं है तो आप नॉर्मल कैबेज भी यूज कर सकते हैं। देन आई हैव सम जुकीनी, सम कैरेट्स एंड सम बीन्स। अब ये सब्जियाँ मेरे पास थी, आपके पास अगर मशरूम है, पेपर्स हैं, इनमें से कोई सब्जी नहीं है तो भी चलेगा। इट्स ऑल अबाउट जस्ट गेटिंग देम टुगेदर इन अ वेरी टेस्टी सॉस। सो लेट्स डू इट। चाइनीज खाना बनाने के लिए मेक श्योर दैट सारी चीज़ें पहले से रेडी हैं, यानी कि सारी कटिंग रेडी है, सॉसेज रेडी हैं, सब कुछ आपके पास है, क्योंकि वी आर गोना कुक ऑन अ वेरी हाई फ्लेम। अब घर में हाई फ्लेम होती नहीं है, इसलिए वी आर गोना मेक द पैन वेरी हॉट, बट दिस इज नॉट द स्टर फ्राई पॉट। अभी तो इसमें जो सब्जियों को बॉईल करना है वो बॉईल करें। पानी को अच्छे से उबालना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ड वेजिटेबल्स, यानी कि गाजर थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है वो पहले जाएगी, जुकिनी सॉफ्ट है वो बाद में जाएगी। अगर आप चाहें तो जुकिनी को ना भी ब्लांच करें, क्योंकि जुकिनी एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो यू कैन डायरेक्टली स्टर फ्राई एज वेल। वैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, फिलोसफीज हैं कि सब्जियों का कलर कैसे रिटेन किया जाए। कुछ लोग बोलते हैं चीनी डाल दीजिए, चीनी से भी फ़र्क पड़ता है, नमक से कलर चला जाता है, हाँ वो भी सही है, लेकिन जब आप एक्चुअली कुकिंग करते हैं देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट टेम्परेचर व्हाट हैपन्स। अभी गाजर ऑलमोस्ट हाफ डन हो गए हैं, नाउ आई एम गोना ऐड बीन्स। बीन्स, फ्रेंच बीन्स को मैंने स्लाइस किया है। राइट, लवली ग्रीन कलर, जस्ट वेरी क्विक ब्लांच टू द जुकीनी। और जुकीनी के साथ साथ ही मैं डालूंगा ये बेबी कॉर्न। वन जेंटल बॉयल टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स और वी डन। अब इसे स्ट्रेन करेंगे। अगर वेजिटेबल्स का कलर रिटेन करना है तो सीधा बॉइलिंग वाटर से निकाल कर टेम्परेचर शॉक, यानी कि एकदम सुपर चिल्ड पानी, ये बर्फ का पानी मेरे पास है और इसमें मैं वेजिटेबल्स को ट्रांसफर। नाउ द फाइनल स्टेप, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करना है। अब स्टर फ्राई को स्टर फ्राई क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ स्टर फ्राई यानी कि एक वॉक जिसमें फ्राई होता है उसमें स्टर करके उसे फ्राई किया जाता है, यानी कि इट हैज टू बी ऑन अ वेरी हॉट फ्लेम। नाउ गोज लिटिल बिट ऑफ ऑयल, चॉप किया हुआ गार्लिक, इट्स एन अमेजिंग फ्लेवर, हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद। चिलीज, आप कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। स्प्रिंग अनियन, ऑल द बल्ब्स, पर्पल कैबेज, जिंजर, सेलरी एंड नाउ कम्स द हीरो, ऑल द वेजिटेबल्स। Look at those beautiful colors. Now, some flavorings. अब मेरे पास है chili sauce, जो कि normal bottle chili sauce है. Then I have with me some light soya, some dark soya, some white sesame, some black sesame, a little bit of aromat powder, a little bit of cracked pepper, ज़रा सी sugar. सोया सॉस में नमक होता है, सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज नो योर सॉल्ट। लुक एट दोस कलर्स। अभी ये थोड़े से सेलरी के पत्ते, जनरली लोग इसे फेंक देते हैं, आई जनरली पुट दिस इन अ सैलेड और अ स्टर फ्राई जस्ट टुवर्ड्स द एंड, गिव्स एन अमेजिंग फ्लेवर एंड ऑब्वियसली चाइनीज खाना इससे बहुत टेस्टी बनता है। स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, लीव सम फॉर माई गार्निश। And a final touch of the Chinese sesame oil. This is a specific तिल का तेल, because वो roast करके तिल का तेल बनाते हैं. Guess what? Ready. अब plating की जाए. Now gently onto the plate.
some more fresh spring onions on top, maybe a few leaves of celery as well, and I wouldn't mind a little bit more sesame, white and black. If you ask me, if you get such food, then you don't need anything else. Actually, I can go healthy with this. खैर मेरा काम है आपके लिए ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करना, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, क्योंकि हर हफ्ते हम एक नहीं दो रेसिपी डालते हैं आपके लिए, ताकि आप सुपर हीरो बन जाएं, अपनी फैमिली के वाइफ को बताएं कि भैया स्टर फ्राई बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा वाला। नेक्स्ट वीक देखेंगे कुछ और मिलेगा।